It is a well thought that our perceptions creates opportunities. So let's look upon to the points what actually the successful people think. Successful people realize that their mentality can affect the each and every prospect and aspect of life. So if you want to be successful in your life, the thinking has to be maintained positive always. Because if your mentality is going in a right path, definitely you can lead the success path and you can reach to your all your goals and achieve what you actually are thinking. Successful people have their clear vision. They always think about the final result of their work. Failures also have their vision but not clear. जैसे मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स थे, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे, तो दोनों एक डिसीजन लिया कि यार ऐसा करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, और दोनों ने एक साथ जिम ज्वाइन किया। अब पहले वाला जो बॉय था, पहले वाला जो लड़का था, वो डेली जिम करने के बाद आता था और मिरर के सामने चेक करता था कि आखिर उसका कितना फैट लूज हुआ, राइट? तो उसने फर्स्ट डे चेक किया, उसका कुछ भी फर्क नहीं दिखा उसे, सेकंड डे उसने चेक किया, कोई फर्क नहीं दिखा, थर्ड डे चेक किया, कोई फर्क नहीं दिखा, वन वीक तक उसने किया, कोई खास डिफरेंस उसको नजर नहीं आया, एंड आफ्टर वन वीक ही जस्ट क्विट, राइट? यानी उसने छोड़ दिया फिर जिम करना। सेकेंड वाला जो लड़का था, उसने जिम जिस दिन ज्वाइन किया था, तो उसने उस टाइम सोचा था कि यार जिम करने से फैट लूज होता है, जिम करने से बॉडी बनती है, और फाइनली उसने उस टाइम के डेली रूटीन पे ये नहीं चेक किया कि उसका फैट कितना लूज हो रहा है, बल्कि उसने फाइनल रिजल्ट देखा कि जिम करने से जब फैट लूज होता है तो मैं इसको करूंगा और केवल तब तक करूंगा जब तक मेरा फैट लूज नहीं होता, और फाइनली आफ्टर वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, फोर मंथ, फाइव मंथ उसने कंटिन्यू रखा, और जिसके बाद उसको सफलता मिली। Successful people know that taking risk within certain boundaries is absolutely necessary for being successful. तो अगर आपको कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज को इनहेंस करेंगे नहीं और अपनी बाउंड्रीज से आगे बढ़ के रिस्क लेंगे नहीं तो सक्सेस की सीढ़ियां, जी हाँ, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क अपनी लाइफ में लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। Whether failures always think about the problem, they always work on problems. बस यही एक ऐसी बात है जो उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चों में से एक बच्चे की अगर मैथ्स वीक है तो वो मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है, इसी बात को लेकर रोता रहेगा हमेशा। लेकिन जिसको आगे लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो सोचेगा कि मेरी मैथ्स वीक है तो ये स्ट्रांग कैसे हो सकती है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इस बात का रोना केवल फेलियर्स करते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एक ही मानना है कि अगर इंग्लिश वीक है तो आखिर ये इंग्लिश को स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जस्ट थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल, नॉट फेलियर्स। Most successful persons keep them surrounded with all the successful personalities. जी हाँ, बिल्कुल हर एक शख्सियत जो अपनी जिंदगी में कामयाब है वो ऐसे लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद करता है जिनसे उसको पॉजिटिव वाइब्स मिले और पॉजिटिविटीज वो अपनी लाइफ में आगे इन्फ्लुएंस आउट कर सके। तो आपको भी ये समझना है, सारे के सारे व्यूअर्स जितना भी ये सेशन देख रहे हैं, कि इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के दिमाग की सोच क्या है, तो इस बात को आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका दायरा सक्सेसफुल लोगों से, पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपके सक्सेस पाथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो कीप इन माइंड, यू हैव टू बी सराउंडेड विद द पॉजिटिव वाइब्स, पर्सनालिटीज, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी जिनसे हमें मिले, बस हमें उन्हीं का सहारा, उन्हीं के साथ रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सक्सेसफुल होने के लिए माहौल का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं बिना माहौल के उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में सक्सेस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर होता है। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी होगी आपको कि ये माहौल का क्या सीन है। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और कोई लड़का जिसकी इंग्लिश वीक है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, राइट? बट उसको लग रहा है कि यार इंग्लिश सीखना है, बट उसके आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं है जिस जहां पर लोग इंग्लिश बोलते हो और वो उनसे कम्युनिकेट करके अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग कर सके। तो अब यहां पर दो तरीके के लोग होंगे, एक वो जो ये कहेगा कि माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, जबकि जिसको सक्सेस होना है वो माहौल खुद के अंदर बनाएगा, अपने इनसाइड में माहौल ऐसा क्रिएट करेगा जिसकी वजह से उसको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश भले आसपास वाले बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, बट आई हैव टू लर्न इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। एकलव्य का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा,
उसके बारे में वैसे तो हर कोई जानता है कि एकलव्य जो जिनके गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब उन्हें सिखाने से मना कर दिया था धनुष विद्या, तो उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और खुद के अंदर खुद आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के ही आश्रम में हैं और वहीं पर वो सीख रहे हैं और फाइनली वो आने वाले टाइम में खुद से प्रैक्टिस करने के बाद एक जबरदस्त धनुर्धर बने। तो ये सारी चीजें क्यों हो पाई? बिकॉज ही जस्ट क्रिएटेड एन ऑरा इनसाइड हिम, ही जस्ट क्रिएटेड एन ऑरा, ही जस्ट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर अराउंड हिम, दैट्स व्हाई वो सक्सेसफुल हुए और अपनी मनचाही चीज जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने हासिल किया। एक इंसान जब सांस लेने के लिए सोचता है या जब वो सांस लेता है तो कहीं ना कहीं आसपास के पेड़ पौधे मदद करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सांस ले सके और अपना जीवन जी सके। तो बात समझनी यही है, नथिंग कैन बी अचीव्ड अलोन। हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो सक्सेसफुल पीपल, यस सक्सेसफुल पीपल जितने भी हुए हैं उन सभी का ये मानना है, अ टीम बिहाइंड definitely leads you to your success and to make you achieve all your goals, all your ambitions, all your targets. तो हमारे पीछे इन लोगों का या उन लोगों का होना बहुत जरूरी है जो कहीं ना कहीं हमें successful बनाने में हमारा साथ हमेशा देंगे। Always make your present bigger than your past. Failure का past जैसा होता है उनका present भी हमेशा वैसे ही रहता है, इसलिए उनका आने वाला फ्यूचर भी वैसा ही रहता है, नहीं बदलता है। बट सक्सेसफुल पीपल हमेशा खुद की काउंसलिंग खुद से करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से बड़ा बनाया या नहीं, और जब तक वो अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से बिगर नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठते। समय बहुत महत्वपूर्ण है, देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो समय की पाबंदी कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ में सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। तो इस बात को समझना जरूरी होगा कि सक्सेसफुल पीपल हैव द एबिलिटी टू मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली, और इसी एबिलिटी को हमें अपनी जीवन शैली में उतारना है। हमें सीखना है हाउ टू मैनेज द टाइम स्पैन सो दैट वी कैन वर्क प्रॉपरली और हम आगे अपने लाइफ में सक्सेस, यस डेफिनेटली वी कैन अचीव दैट सक्सेस विच is a single word, पर पूरी लाइफ उसी के पीछे निकलती है। Successful people always think that they are already successful, and it is true that those people who firmly believe that they are already successful are successful. ये ठीक वैसे ही जैसे किसी पत्थर में भगवान की मूर्ति तो पहले से ही होती है, बस मूर्ति बनाने वाला उस पत्थर की कुछ फालतू चीजों की कटिंग करके उस मूर्ति को आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, और वही पत्थर जो पहले एक नॉर्मल पत्थर के जैसा था, जिसने छीनी हथौड़ी की मार नहीं खाई थी, वही पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगता है, और वही पत्थर जिसने छीनी हथौड़ी की मार खाई और अपने शेप में परिवर्तन लाया और भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट हुआ, वही पत्थर मंदिर के अंदर रखा होता है और लोग उस सीढ़ियों से चढ़ते हैं, उस पर जाते हैं और माला के माले चढ़ाते हैं। सो फाइनली एक ही चीज कहना चाहेंगे दोस्त कि लाइफ में खुद को ये मानगी, खुद को ये यकीन दिलाओ कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपको सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। बस करना क्या है, कुछ फालतू चीजें जो आपकी बॉडी में लगी हुई है, कुछ फालतू चीजें जो आपकी हैबिट में है, कुछ ऐसी यूजलेस थिंग्स जो आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन चीजों को सर्च करो और उनको अपने से अलग करो। जिस दिन आपने ये कर दिया, आपके अंदर छुपी हुई मूर्ति, आपके अंदर वो हिडन सक्सेस आप बाहर दुनिया को नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, और वही लोग जो आपको देखकर आज की डेट में बात ना नहीं करते, वही लोग आपसे बात करने के लिए परेशान रहेंगे। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी सीखने की क्षमता को खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी लाइन वहीं फुल स्टॉप कर दी तो एक जो सोर्स होता है, रिसोर्स होता है जिससे कुछ ना कुछ हम सीख के हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, वो दायरा वहीं सिमट के रह जाता है। तो अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, यू डोंट हैव टू स्टॉप एवर लर्निंग। दिमाग के पेज खुले रखें ताकि हम नई चीजें रोज सीख पाएं, नई चीजें रोज देख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। बिकॉज सक्सेसफुल पर्संस की भी अगर हम कहीं जीवन शैली पढ़ते हैं या उनके इंस्पिरेशनल थॉट्स देखते हैं तो ये जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीख हर जीवन के हर कदम पे हमें आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान या सपोर्ट करती है। तो वी जस्ट हैव टू फोकस कि ऑलवेज वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज लर्निंग विल लीड अस टू द स्मॉल वर्ड दैट इज सक्सेस।